भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते हाल के दिनों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मालदीव ने भारत विरोधी तेवर दिखाते हुए भारत को 15 मार्च 2024 तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया है। मालदीव की राजधानी माले में 14 जनवरी को हुई भारत और मालदीव की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक में मालदीव की मोहम्मद मुइजो की सरकार ने इस मांग को भारत के सामने रखा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो के कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते, ये इस प्रशासन की नीति है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। मालदीव की बात करें तो वहां लगभग 80 भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक दो बचाव और टोही हेलीकॉप्टरों और एक डॉर्नियर विमान के रखरखाव और संचालन के लिए वहां तैनात है, जिसे सालों पहले भारत की ओर से मालदीव को दान किया गया था। इस बीच सवाल उठता है कि आखिर भारत से मदद लेने वाला मालदीव अचानक से भारत से पंगा क्यों ले रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना मालदीव के एजेंडे में शामिल था। मालदीव से भारतीय सेना को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने बीते नवंबर में भारत के समर्थक और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को एक कड़े मुकाबले में हराया था। मुइजो का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने का नारा दिया था। ऐसे में उनका ये कदम भारत के लिए कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है। मुइजो को वैसे भी चीन समर्थक माना जाता है, ऐसे में वो भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल करना चाहता है। भारत के खिलाफ मालदीव के तीखे तेवर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो की चीन की यात्रा के बाद देखने को मिले हैं। भारत मालदीव की बैठक मोहम्मद मुइजो की चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के एक दिन बाद हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाले जाने की बात कही गई। मुइजो की चीन यात्रा की बात करें तो उस दौरान मुइजो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान चीन और मालदीव अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। मुइजो की चीन यात्रा से ठीक पहले मालदीव के तीन उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद पैदा हो गया था। इस बवाल के बाद मालदीव ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ गुस्सा फूटा। भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लेकिन मुइजो जब चीन से लौटे तो भारत के प्रति उनका लहजा काफी सख्त था। ऐसा लग रहा था जैसे चीन ने उन्हें सिखा पढ़ा कर मालदीव वापस भेजा था कि वहां पहुंचने के बाद कैसे भारत विरोधी बयानबाजी करनी है और कदम उठाने हैं। मुइजो ने मालदीव लौटते ही भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि मुइजो चीन की शह पर भारत से पंगा ले रहा है और इस वजह से ही वो भारत विरोधी सख्त तेवर दिखा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।